आली रे आली, अता तुझी बारी आली। I'm sure मेरा ये डायलॉग सुनकर you would have guessed who my guest is. Well, not someone who said this, but someone who was behind the camera directing those lines and bringing everything that's larger than life come alive. ये अपनी नई फिल्मों से पिछली फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, चाहे ये 100 करोड़ क्लब हो या 200 करोड़ क्लब, इनके पास सबका VIP पास है। अक्खा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? Ladies and gentlemen, on this special episode of Sunday Brunch with Zomato, we have the visionary Rohit Shetty. Hi Rohit. Hi Kamya, how are you? Very good. मैं कब से सोच रही हूँ शायद आपका हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करेगा या आप शायद पानी से आओगे दो जेट स्की पर। Congratulations on the success of Suryavanshi. I know you were hell bent कि हमें theatrical release ही करनी है इस movie की। काफी delay हुई, right? Almost 2 years, 19 months. जिस तरह का scale था, right? मुझे ये था कि theater में ही उसका एक experience अलग आएगा। Means वो OTT पे भी देखी जा सकती है film, but वो experience नहीं मिलेगा जिस तरह का action था। कि लोगों ने एक वक्त के बाद कहना शुरू कर दिया था कि लोग theater में नहीं आएंगे। अब कोई नहीं जाएगा थिएटर, फिल्में सब इसी पे देखेंगे। मेरा ये था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, एंड लकीली सब कुछ ठीक हो गया। चलो, वी आर वेरी हैप्पी एंड आई थिंक पीपल हैव मिस्ड यू नो गोइंग टू थिएटर्स एंड एंजॉयिंग अ गुड मूवी, सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट एक्सपीरियंस बैक टू अस। लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी रोहित, आप हमेशा मुंबई से ही रहे हैं? मुंबई, born and brought up in Mumbai. Acha, kaun se school, college, if you can tell us a bit about your childhood too. I used to stay in Santa Cruz. Okay. Zyada dur nahi hai yahan jahan hum hain is waqt. Aur schooling meri St. Mary's se hui. St. Mary's High School mein meri padhai hui. Okay. And mere dad matlab ek action director the. Haan ji. Renowned action director of his time. Right. So bachpan se inclination yahi tha ke filmon mein hi jana hai aur in fact mujhe action director hi banna tha pehle se. So after schooling, like at the age of 16, I started working. At the age of 17, 17 and a half, 18, I was a chief AD. Wow. And I used to do stunts and I was an action director by then, chief assistant director by then. Okay. So, and almost it's been 30 years now. You know, having said that, कि आप एक action director के बेटे थे, one would imagine आपकी journey काफी easy रही होगी. It was not an easy journey actually. लोगों को लगता है ऐसा कि film industry से है तो easy रहा होगा. जब शुरुआत की तो 35 रुपीज़ मिलते थे जस्ट 35 रुपये में शुरुआत की। कई बार ऐसा होता था कि उसमें ऑब्वियसली आप या तो आप ट्रैवल करें या तो आप खाना खाएं, तो इधर कभी फूड मिस करना पड़ता था, कभी ट्रैवल मिस करना पड़ता था, यू गो वॉकिंग ऑन द सेट। Tell me something, 35 rupees, you know, and you said that kabhi travel, walking karna jana padta tha. Have you really walked a distance like, and how long? We were staying in Santa Cruz. Uske baad mein Santa Cruz se hum shift hue Dahisar. मेरी नानी के घर पे, बिकॉज फाइनेंशियली देयर वर अ लॉट ऑफ क्राइसिस एट दैट टाइम, सो वी डिडंट हैव अ हाउस टू स्टे, तो मेरी नानी दहीसर में रहती थी, इट्स वेरी फार। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, सो तब ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू वॉक फ्रॉम मलाड टू अंधेरी मेनी अ टाइम्स। सो अब दैट इज क्वाइट अ डिस्टेंस, या करीबन डेढ़ दो घंटे लग जाते थे धूप में, एंड गलियां मुझे पता है। तो अब कभी जब अब पूरा कॉन्वॉय चलता है, साथ में ड्राइवर है, तो मैं उसको बोलता हूँ यहाँ से नहीं यहाँ से ले, तो कभी रेयर व्यू में देखता है कि इनको कैसे ये सब गलियां, ये क्या चोर वोर तो नहीं थे पहले। कोई आपकी फेवरेट हैंग आउट पॉइंट्स या 35 रुपए में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप जरूर जाकर कुछ खाया करते थे? मुंबई का जो सेवियर रहा है वो है वड़ा पाव। समोसा पाव या तो वड़ा पाव होता है था उस जमाने में, तो वो सबसे बड़ा सेवियर है। या फिर थोड़ा सा ट्रीट में है अगर करना है तो फिर वो पाव भाजी, रस्ते की पाव भाजी। तो अंधेरी में सात बंगला में एक जगह है, फोर बंगलो मार्केट आई थिंक, वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा रुकते थे। वहाँ पर एक गुप्ता डेयरी है ऐसी कोई जगह है, उसके बाहर एक ठेला लगता था, वहाँ से हम वड़ा पाव खाते थे या फिर स्टेशन पे।
तो आपने लास्ट टाइम लोकल ट्रेन में कब ट्रैवल किया? एंड बिकॉज यू ट्रैवल्ड सो मच, आपको तो पता होगा हाउ टू पुश, हाउ टू कम आउट ऑफ द ट्रेन. लोकल ट्रेन मेरी लंबी जर्नी रही है, बचपन से नाता रहा है लोकल ट्रेन का. आई यूज्ड टू स्टे इन दहिसर एज आई टोल्ड यू. तो और स्कूल सांता क्रूज में थी, तो वो लोकल ट्रेन का ऐसा होता है कि दहिसर से विरार लोकल होती है. तो वो बोरीवली रुकेगी वहाँ से, फिर वो अंधेरी रुकेगी, फास्ट ट्रेन हो जाती है वहाँ से, और फिर बांद्रा रुकेगी. तो इधर आपको अंधेरी उतरना पड़ता है या तो आप बोरीवली उतरो. अब मेरा ऐसा था कि मैं यूनिफॉर्म में छोटा बच्चा, तो कभी कभी जेंट्स कंपार्टमेंट में जगह नहीं मिलती थी, तो मैं लेडीज़ में चढ़ जाता था. सो देवर ओके विद इट, छोटा यूनिफॉर्म में. अब वो ग्रेजुअली कभी कभी आदत हो गई कि गर्दी है तो वहाँ चढ़ जाओ, और वो कभी दिमाग में वो बात ऐसी बैठी नहीं कि ग्रेजुअली फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ में पहुँच गया, हाइट बढ़ गई. एक दिन मैं नॉर्मली गर्दी देखी और मैं लेडीज़ में चढ़ गया, और वहाँ पर औरतें शुरू हो गई, दो चार, निकालो इसको, मार इसको, चप्पल से मारो, ये कैसे आ गया इधर. मैं बोला कि आंटी मैं स्कूल यूनिफॉर्म में, झूठ मत बोल. बोलती बोला अरे मैं सच्ची स्कूल स्टूडेंट हूँ. मैं वो दिन है कि मैं उतरा और मैंने कान पकड़ लिया, चाहे ट्रेन मिस हो जाए, और वो कभी दिमाग में ऐसे आया नहीं था. सो वो इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूलूंगा. यू डिडंट रियलाइज आप इतने बड़े हो चुके. लंबे हाइट बढ़ गई, बच्चे ही था बट हाइट बढ़ गई. हमने वन लेडी सेइंग नहीं ये झूठ बोल रहा है, यूनिफॉर्म में ये ऐसे बहुत देखे हमने. ओह माय गॉड, रोहित शेट्टी पिटते बचे इन अ लोकल ट्रेन. वेल वी गॉट टू नो अबाउट योर फेवरेट फूड जॉइंट्स. अब वहां तो नहीं लेकर जा सकते, बट हम आपके लिए आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना मंगा सकते हैं, विच इज फ्रॉम हाउची, एंड यू कॉल फॉर सम ऑफ योर फेवरेट्स. सो लेट्स ब्रिंग इन द फूड. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एक मैं इतना नहीं खाता हूँ. मतलब कभी ये मंगा लिया, कभी ये मंगा लिया, बट ये दिस इज लोटस स्टेम. ओके. एंड दिस इज गलौटी कबाब. ये है कीमा एंड पाव. ओके. दिस इज थाई करी. हाँ जी. ग्रीन थाई करी, रेड थाई करी. ओके. एंड दैट इज स्टिकी राइस, जैस्मिन राइस. दिस इज क्वाइट अ मिक्स. हां, मतलब हर क्विजीन का आपने कुछ कुछ खाया. फेवरेट लाइक माय फिल्म्स, लाइक योर फिल्म. एंड दिस इज ऑब्वियसली बिरयानी, वन ऑफ द बेस्ट बिरयानीज, बिकॉज़ इसमें जो है वो मसाला बहुत कम होता है. ओह अच्छा. वेरी लेस मसाला, अदरवाइज क्या होता है कई बार बिरयानी में बहुत ज्यादा मसाला डाल देते हैं, तो इसमें वैसा नहीं है, ये बहुत कम मसाले वाली. बट वैसे आपका फेवरेट क्विजीन कौन सी है? सच पूछो तो माँ के हाथ का दाल चावल. ओह हाउ देसी घी, दाल और राइस. Now I'm going to test how big a foodie are you. Oh God. Okay. We have a quiz which is Eatometer presented by Zomato. I'm going to ask you some questions. Okay. And let's see how well you do. Oh God. Okay. पसीने छूट रहे सुन के. Which of these is an actual name for a dish? Okay. Okay. Is it disesteemed shrimp? Is it frustrated cow? Is it drunken chicken? Or is it unhappy pig? Drunken chicken. Yes. Rogan Josh is a signature recipe of which cuisine? Kashmiri, Punjabi or Maharashtrian? Kashmiri. That's right. Okay. Which was your last cheat meal? Last cheat meal was yesterday. Itself, मेरी टीम के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं थिएटर्स में. हाँ जी. और यू विल बी सरप्राइज, मतलब ये था कि थिएटर का पॉपकॉर्न और थिएटर का समोसा खाना. नथिंग बीट्स दैट. ओके, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट वन वुड ऑलवेज फाइंड इन योर रेफ्रिजरेटर? डार्क चॉकलेट. रेट दीज स्ट्रीट फूड आइटम्स इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस. गोलगप्पे, आलू टिक्की, पुचका, दही भल्ले या मिसल पाव? दही भल्ले. ओके. एंड देन मिसल पाव. ओके. देन गोलगप्पे. अच्छा. एंड देन पुचका. ओके. रेट दीज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देम बीइंग फूडीज. ओके. सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी? सिम्बा.
सबसे बड़ा फूडी, बहुत फूडी, और डाइट जब करता है नहीं करता तो इतना खाता है कि हम सब देखते रह जाते हैं। इफ यू वर टू होस्ट अ डिनर पार्टी एट होम, हु अमंग दीज वुड यू नॉट इनवाइट? ओके, अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, करीना कपूर, अर्शद वारसी और कैटरीना कैफ। So why, what is the reason not to invite? सब खा जाएंगे। खा जाएंगे। I think Arshad is a big foodie. Okay. Arshad is a foodie. Even for that matter, Abhishek भी कभी-कभी है वो। Really? Okay. और इन सब में से late लतीफ कौन होगा? रणवीर। मतलब शूट पे करेक्ट आ जाता है, but बाकी शूट के अलावा कहीं भी उसे बुलाओ वो late ही आता है। So how would Ajay Devgan react if the restaurant served him undercooked dim sum? He'll be like, "Atam Aji satakli." What is this? How would Ranveer Singh react if he got a notification on the phone that his order from Zomato will be delivered within 30 minutes? He'll be like, "Apna time aayega, aa gaya." Okay. How would Deepika Padukone react if she reads a food menu that has a lot of spelling mistakes? It would be like her famous dialogue from Chennai Express. Kisne likhi hai ye bakwas menu? Okay, that's amazing. Thank you. You did really well when it came to Eatometer. So good job at that. Thank you. Okay, now I'm going to read out one dialogue. Usko aapko Marathi mein bolna hai. Oh God. ठीक है? बचपन में देखा था, lollipop खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था. लहानपनी बघितलं होतं. Lollipop खात होतं. छोटी चड्डी घालत होता, लई मस्ती करत होता. हमारी कर्ली टेल्स की ऑडियंस जानना चाहेगी, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड फ्लाइंग कार्स? ओ गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अभी तो सबको पता है कि आई माय सेल्फ वाज अ स्टंटमैन, एंड यू विल बी सरप्राइज, यू नो बच्चों को बहुत पसंद आता है ये सब, एंड व्हेनेवर You meet them at the airport या कहीं मिल गए आप बच्चों को या parents को, तो दिल से कह रहे इनको वो बहुत पसंद आता, तो the reason behind doing it, like if you see a kid watching that sequence, like उनको film से ज़्यादा वो सारी चीज़ें पसंद आती हैं, that's true, so I do it for them basically. Yeah, I can imagine, and honestly thanks to you, Little Singham, Golmaal, my little one was hooked on to the, you know, cartoon series during the pandemic. Yeah, Little Singham does very well for us. Also there are a few other shows, right? Yeah, yeah, Little Singham hai hamara, then abhi hamara Simba bhi aa gaya hai. Haan ji, Smashing Simba. Smashing Simba, then Golmaal is there. So right. We have three series, like bahut kam logo ko pata hai, like I do that also. Right. But Little Singham has really picked up and it's very popular. Yeah. Among the kids. Right, right. No. But has that been intentional ki aapko ek younger audience ke saath ek connect chahiye? Ji. Because, we tried it. Humne shuru kiya ki ek animation series shuru karte hain, dekhte hain bachcho ko pasand aata hai ki nahi. And gradually we came to know that it's like a number one show now and it's so popular among kids. Yeah. You have a little one too. Yeah, he's grown up now. He's like a teenager, 15 years old now. Oh, is it? But usko kaisi lagti hai aapki film mein? Kuch bolta hai wo aapki? He likes it. He loves it. Yeah, yeah, yeah. He can, and zyada nahi bolta hai. Matlab he's not very filmy, but he's like, achhi lagi. Aur main puchunga to he'll tell me. अच्छा, और दो तीन बार अगर देख लिया तो मैं समझ जाता हूँ कि पसंद आ गई, अच्छी लगी, but he's not very vocal about how, he's not vocal about it, yeah. Okay, Rohit, your journey has been so interesting, from 35 rupees to then buying a house. So it's like we didn't have a house to stay in, and my mom used to always say कि घर एक देखा था और हम कभी ले नहीं पाए वहाँ पर जो जिस एरिया में, she used to say, and then for a rented house also, like my dad was very close to Mr. Bachchan, so she and my Bachchan sir knew my mom very well, and so one day it happened that she went to him, and then he helped us to take a small house on rent before we shifted to Daisar with my granny. So it just happened like and she used to always cross, so that area jahan Bachchan sahab bhi rehte hain, jahan humne bhi socha tha ghar rahenge. So it's like a filmy scene. Today I bought a building over there, and wow. So it's like, so aur Bachchan sahab bhi wahi rehte hain, matlab jahan hamara ghar hai ab. So it's like a, not a, people say ki are tumhara ye ghar hai, but it's like a, for me it's for the youngsters ke jo is daur se har koi guzarta hai, bahut se aise guzar rahe honge is waqt, unke liye ye hai ki kabhi bhi haar nahi mannni chahiye, you know, aur mehnat karna bahut zaruri hai. जैसे आपने जर्नी की शुरुआत की कि हम कभी भूखे भी काम करते थे, बट एटीट्यूड हमेशा यही रहा है कि जो आपको पैसे मिल रहे हैं
अगर आपको 100 रुपये मिल रहे हैं तो आप 1000 रुपये का काम करके दो, यू नो, एंड मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती. मे बी यू वोंट गेट द रिवॉर्ड इमीजिएटली, मे बी आपको ये लगेगा कि यार मैंने इतनी मेहनत की कुछ हुआ नहीं, बट कहीं ना कहीं आई बिलीव इन कर्मा कि आज आपको उस मेहनत का आपको फल नहीं मिलेगा लेकिन आगे चल के ज़रूर मिलेगा. और वो होता है. व्हाट एन इनक्रेडिबल जर्नी रोहित. मतलब आपने वही घर नहीं पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली. आप तो अपनी लाइफ स्टोरी पे आप कभी कोई मूवी बनाएंगे? अरे नहीं. बनानी चाहिए. इट्स अ रियली गुड स्टोरी. वी वुड लाइक टू नो मोर. 1,500 गाड़ियां कहां से लाएंगे उड़ाने के लिए? अच्छा इतनी उड़नी पड़ी. अब तक अगर लाइफ जर्नी में दिखानी पड़ी. आई नो. तो अगर आपकी लाइफ स्टोरी पे कभी फिल्म बने सो हु वुड प्ले द लीड रोल? Two people. One is Ajay sir is very close to me. The other guy who's very, very, very close to me, like a little, my little brother, I think, that's Ranveer. Ranveer. He knows in and out about me. So like, so I think he'll be the best choice. Oh, okay. That's छोटा भी है तो वो पूरी जर्नी प्ले कर सकता है. Okay, that's interesting. You mentioned about Ajay sir, and I know that his father and your father, yeah, both were stuntmen. Yeah. And जो आपकी पहली फिल्म थी जहाँ आप इंटर्न थे, he was playing the lead. He was launched in that film. So the journey, like we both complete 30 years in the industry together. Okay. And he's like my brother. And हुआ ये कि I worked with him. Like जितनी भी फिल्में बनी चाहे वो सुहाग है, हकीकत है. Then Ajay sir opened his own production house. So प्यार तो होना ही था. राजू चाचा, हिंदुस्तान की कसम. ये सब फिल्में हमने साथ में की. फिर मेरी फर्स्ट फिल्म भी जो मुझे ब्रेक मिला, दैट इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ अजय सर. ज़मीन लगी. ज़मीन इतनी चली नहीं थी उस वक्त वो फिल्म. फिर ये हुआ कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो देन ही कॉल्ड मी कि तू स्ट्रेस मत ले, हम दूसरी फिल्म करते हैं साथ में. सो देन वी वर मेकिंग समथिंग एल्स. देन आई वेंट टू हिम कि एक कॉमेडी स्क्रिप्ट आई है, नीरज वोरा ने लिखी है, गोलमाल एक प्ले है एक्चुअली वो. तो मैंने बोला कि कॉमेडी करें, बोला जो तुझे करना है कर, आई एम देयर विथ यू. फिर हमने गोलमाल की साथ में, एंड बस उसके बाद मतलब ही इज़ लाइक माय ब्रदर, मोर देन अ ब्रदर आई वुड से. एंड ही इज ऑलवेज बीन विद यू. मतलब मैं आज जो कुछ भी हूँ, मुझे कहने में शर्म नहीं है, जो कुछ भी हूँ इज बिकॉज ऑफ अजय. You had lost your father when you were working on that film. No, I lost my father very young when I was in a school. When okay. I was schooling, I was in third or fourth standard. That time I lost him. Interesting journey रही है. When your father was, of course, he's done 700 films. तब आपने काफी success देखी है. जी. You lost him. You lost a lot of money also. आपने कुछ बुरे दिन भी देखे हैं. जी. अभी of course कोई कमी नहीं है. 100 crore, 200 crore club बन रहे हैं. Are you insecure anywhere कि ये temporary है या क्या लगता है आपको, या आप secure feel करते हैं हमेशा? मैं secure इसलिए feel करता हूँ क्योंकि वो कभी hit नहीं करता है मुझे कि मैं इतना बड़ा हो गया. आज भी अप्रोच वही है जो एक असिस्टेंट डायरेक्टर का था मेरा. तो वो कभी वो हुआ ही नहीं. जैसे हम कहते हैं कि ब्रांड खरीदने में मुझे मतलब आज भी लगता है कि जब मैं अपने बेटे को देखता हूँ तो मतलब बेझिझक खरीद लेता है. एंड ठीक है, मतलब उसका हक है और वो ही इज़ लकी इनफ. बट मुझे आज भी मैं डबल दो बार सोचता हूँ अरे. सो हाँ, तो वो मेरा अप्रोच वही रहा. तो इनसिक्योरिटी कभी नहीं रही क्योंकि मैंने कभी उस चीज़ को, सक्सेस को कहते हैं ना कि अपने सर पे नहीं चढ़ने दिया. एंड भी मैंने अपनी पूरी टीम को भी वैसे ही ट्रेन किया है. जैसे अभी सूर्यवंशी लग गई, हिट हो गई, इतना सब हो गया कि अरे थिएटर्स खुल गए, इतना मतलब लोगों का प्यार मिला, इतना नाम हो गया कि थिएटर्स ओपन करवा दिए इस आदमी ने, ऐसा वैसा. बट मंडे आते ही, ट्यूसडे आते ही हमने उस चीज़ से कट ऑफ हो गए हम कि अब आगे बढ़ते हैं लाइफ में. और वही अप्रोच रखा है और वही अप्रोच रखना चाहिए बिकॉज कल क्या होगा वी डोंट नो. यू हैव टू बी अ फाइटर. और ये सोच के चलना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है. यहाँ से हम और ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ से हम नीचे भी जा सकते हैं. बट अपना विल पावर और अपनी हिम्मत कभी हमें हारना नहीं चाहिए, या कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सारी चीज़ें परमानेंट हैं. मूविंग अवे फ्रॉम फिल्म्स, बात करते हैं टीवी शो की. आप अपने शोज में लोगों को बिच्छू और सांप से एडवेंचर करवाते हैं. इज देयर एनी फियर दैट यू हैव एंड यू वुड लाइक टू लेट गो ऑफ? पहले जब पहली बार किया था तो मुझे भी थोड़ा सा एनिमल्स का वो लगता था बिकॉज अनप्रिडिक्टेबल तो होते हैं वो. एब्सोल्युटली. बट अब आदत हो गई, अब वो डर नहीं है. और जहाँ तक फियर की बात है, ऐसा कोई फियर नहीं है मुझे. मतलब मुझे किसी भी चीज़ का, मे बी बिकॉज ऑफ माई जर्नी, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता. मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू बूस्ट के मैं बहुत ऐसा हूँ वैसा हूँ.
क्योंकि काम स्टंट का किया पूरी जिंदगी. हाँ जी. और आज भी वही कर रहे हैं. जर्नी में अप्स एंड डाउन इतने देख लिए लाइफ के और शो ऐसा करता हूँ. तो अपने फैमिली को लेके या जो मेरे नियर एंड डियर वंस है, मेरी एक छोटी सी टीम है, मेरा एक छोटा सी फैमिली है और फिर मेरी एक टीम है जो मेरी फैमिली है. मेरे बहुत कम दोस्त हैं जो मेरे दहिसर के ज़माने से हैं. इनफैक्ट जब आज हम बात करें, मैं आज रात को उनको मिलने वाला हूँ. अरे वाह, दहिसर में या कहीं? नहीं, वो कहीं आएंगे, अंधेरी आएंगे, ऑफिस के पास आने वाले हैं. एंड वो ही रहे, वो चेंज नहीं हुआ आज भी. एंड तो उनका मतलब आई डोंट टू लूज दैम. उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए और वो मेरे हाथ में नहीं है. तो वो डर के अलावा मेरे अंदर कोई डर नहीं है. टॉकिंग ऑफ योर फैमिली, हाउ डिड यू मीट योर वाइफ? क्या लव स्टोरी है आप दोनों की? बहुत सिंपल कॉमन फ्रेंड्स थे. और वहाँ लव मैरिज है जी. ओके. एंड उनका भी एक एटीट्यूड, वो मिडिल क्लास वाला ही है. एंड उसके वजह से इतनी प्रोग्रेस हो पाई, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है. आप फैमिली के साथ हॉलीडेज पे कहाँ जाते हैं? व्हाट काइंड ऑफ हॉलीडे डू यू लाइक? मैं कम ले पाता हूँ, मेरा एक आती होता है. इन लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं. बट माय सन, उसके हिसाब से ये सब करना पड़ता है. आई थिंक ही लव्स, एंड बचपन से जा रहा आ रहा, ही लव्स दुबई. आई लव वर्किंग, मुझे काम बहुत पसंद है. So you don't even realize or feel the need ki main nahi kabhi thaka even you, pandemic mein aap nahi kaam hai. You won't believe it's been 30 years exactly this December. I'll complete 30 years in the industry working. Okay. Not a single day mujhe subah uthkar ye laga ki yaar aaj kaam par jana hai. Never in this 30 years mujhe ye laga, chahe wo kitna bhi bada schedule ho, chahe wo 48 degrees ki dhoop ho, चाहे वो -1 डिग्री की ठंड हो आइसलैंड की, बट कभी ये नहीं हुआ कि यार आज काम पे नहीं जाते. या आई गेट अप विद दैट सेम स्पिरिट, विद दैट सेम हैप्पीनेस व्हाट आई यूज्ड टू गेट अप जब मुझे फर्स्ट डे जॉब पे जाना है. अच्छा, चलो, सिंस दिस इज अ फूड शो, तो बताइए एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए क्या रेसिपी होनी चाहिए? ब्लॉकबस्टर रेसिपी फिल्म की, जो ब्लॉकबस्टर रेसिपी जो खाने की रेसिपी होती है वैसी ही. क्या आप ऑनेस्टली बनाइए फिल्म अपनी ऑडियंस के लिए कि आपकी कौन सी ऑडियंस है. मुझे पता है कि मेरी ये ऑडियंस है. मुझे ये भी पता है कि ये एक ऑडियंस है, एक सेगमेंट ऑफ ऑडियंस है जिनको मेरी फिल्म नहीं पसंद आएंगी. आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट ऑल्सो, एंड विच इज़ फेयर इनफ. आई रिस्पेक्ट दैट थिंग, क्योंकि मेरी फिल्में वैसी होती हैं, हार्डकोर कमर्शियल. अब नाम हो गया, लोग जानते हैं कि किस तरह की फिल्म होगी. कॉमेडी होगी, एक्शन होगा, ओवर द टॉप एक्शन होगा, गाड़ियाँ उड़ेंगी. सो बट मेरा ये रहता है, जब ट्रेलर आता है फिल्म बनने के बाद, उस ट्रेलर में कोशिश करके मैं फिल्म बता देता हूँ कि ये फिल्म है. और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उसके बाद ऑडियंस के पास चॉइस है कि वो आना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं कि नहीं चाहते. मैं उनको चीट नहीं करना चाहता. अगेन कमिंग बैक टू द मिडिल क्लास मेंटेलिटी, क्योंकि वो पैसे खर्च करके आ रहे हैं. आज हमारे पास जो भी आप कहें कि इतना सक्सेस आ गया है, गाड़ियाँ हैं, घर है, सब कुछ है, वो कहीं ना कहीं पैसा तो ऑडियंस का ही है ना, हमारी मेहनत है. बट वो हमारे वो हैं तो हम हैं. आपको किसकी फिल्में देखना पसंद है मैं अपनी फिल्मों के अलावा? मुझे हर तरह की फिल्म पसंद है, मुझे हर डायरेक्टर की फिल्म पसंद आती है. कुल कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूं? नहीं, why not? मैं अपने टीवी शो से, you have the perfect recipe to be an actor. हमने आपके डायलॉग डिलीवरी भी सुन ली आज तो. आई थिंक आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग. और उतना ही प्यार मिल जाता है. लोग कहते हैं टेलीविजन करता हूँ मैं, उसमें खुश हूँ. और एक वो मेरे लिए एक अलग हट के काम हो जाता है मेरे लिए, वो एक मैं अपनी फिल्मों से, और मैं अपनी फिल्मों में खुश हूँ. अच्छा, ओके, वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच, बहुत ही मजा आया आपसे बातें कर. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. सो एवरीबडी वॉचिंग अस आउट देयर, गो एंड वॉच सूर्यवंशी, बहुत ही बढ़िया फिल्म है. आई एम श्योर यू विल नॉट कम बैक डिसअपॉइंटेड.